मैसेज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया, बंगाल के मुसलमानों ने। वहां पर भी कुछ लोग मुसलमानों की वोट का बंटवारा करने गए। एमआईएम ने 6 सीट वहां पर असेंबली की लड़ाई, वहां के मुसलमानों ने एक तरीके से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उनको। 4000 वोटों से ज्यादा वोट नहीं मिल पाई एक कैंडिडेट को, हाईएस्ट वोट 4000 है। उसके बाद किसी को 2000 है, किसी को 1000 है, किसी को 500 है। इस तरीके से जमानत जब्त करवा। तो मैं बंगाल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि हिंदुस्तान के इस जमहूरी मुल्क में आईन को बचाने का काम, इस देश की घटना को बचाने का काम बंगाल की आवाम ने किया है। मैं ममता बनर्जी जी और तृणमूल कांग्रेस के सभी अराकी ने असेंबली जो चुनकर आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दूसरी अहम बात जो बंगाल में है, उन्होंने एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया, बंगाल के मुसलमानों ने। वहां पर भी कुछ लोग मुसलमानों की वोट का बंटवारा करने गए। एमआईएम ने 6 सीट वहां पर असेंबली की लड़ाई, वहां के मुसलमानों ने एक तरीके से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उनको। 4000 वोटों से ज्यादा वोट नहीं मिल पाई एक कैंडिडेट को, हाईएस्ट वोट 4000 है। उसके बाद किसी को 2000 है, किसी को 1000 है, किसी को 500 है। इस तरीके से जमानत जब्त करवा ली वहां के मुसलमानों ने। उन्होंने बिल्कुल एक मैसेज दिया है इस मुल्क के मुसलमानों को कि अगर इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से अगर लड़ना है तो सेकुलर पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा, और बंगाल के मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाते हुए वहां पर ममता जी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये मैसेज वहां के मुसलमानों ने दिया है, मैं वहां के मुसलमानों को सलाम करता हूं, और उसी के साथ साथ तमिलनाडु के मुसलमानों को भी मैं सलाम करता हूं, आसाम के मुसलमानों को सलाम करता हूं। ठीक है, आसाम के अंदर हुकूमत नहीं बन पाई यूडीएफ और कांग्रेस की, लेकिन एक कम से कम एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करने की ताकत वहां की आवाम ने दी है। और तमिलनाडु के अंदर तो सरकार आई है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो वहां का अलायंस था उनका, उनको शिकस्त हो गई है। और वहां के भी मुसलमानों ने एक मैसेज दिया है, वहां पर भी हमारे अवेसी साहब वहां पर गए और वहां पर भी सीटें लड़ाई। वहां तो बड़े ताज्जुब की बात है कि 1000 में सब लपेटे गए, 1000 वोट के अंदर 200-300 वोट मिले, जो कारपोरेटर की जमानत भी जब्त नहीं होती उसके अंदर। इस तरीके का मैसेज मुल्कों की आवाम ने दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला करना है, चाहे वो इलाकाई पार्टियां क्यों ना हो, सेकुलर हो, जो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चले और ताकत के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, तो हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को और सेकुलर पार्टी को मजबूत करना होगा।